मध्य प्रदेश एनएचएम ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है सीएचओ और सीसीएच के सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डे ऑलरेडी एंड हो चुकी है, तो आपकी एग्जाम नेक्स्ट मंथ में कभी भी हो सकती है, फर्स्ट और सेकंड वीक में। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हम डिटेल में देखने वाले हैं क्या सिलेबस होगा, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और पेपर्स की सारी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप उन पेपर्स को देख ले तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है तो उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट कर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सिलेबस फॉर ऑनलाइन रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द पोजिशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ एंड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल क्वेश्चन पेपर का मार्क्स है वो 100, मतलब आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, आपका 100 नंबर का पेपर होगा और आपको एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, तो 100 नंबर का पेपर होगा और उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारा जो आपके क्वेश्चंस है वो 15 अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे साइकोलॉजी पे, 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे एनाटॉमी पे, 5 क्वेश्चंस आएंगे डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टेटिस्टिक्स पे, 5 क्वेश्चंस आएंगे कम्युनिटी हेल्थ एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज प्रिवेंशन के लिए, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे आपका मैटरनल हेल्थ जिसमें प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होंगे। मैं आपको नेक्स्ट आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस किस कैटेगरी में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, इसमें पूछा जाता है अलग अलग न्यूट्रिशंस। फिर आपको इम्यूनाइजेशन पे 5 क्वेश्चंस आएंगे, एडल्ट हेल्थ पे आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, फैमिली प्लानिंग पे 5 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे आपका कम्युनिकेबल डिसीज पे, तो अलग अलग डिसीजेस कौन सी कम्युनिकेबल है कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है वो डिसीजेस पता होने चाहिए, 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे, तो यहाँ पे 20 नंबर आपका डिसीज में ही कवर हो जाएगा। तो दोस्तों जो स्ट्रांग टॉपिक्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे आपको ध्यान देना होगा और उनको आपको रिविजन अच्छे से करना होगा। इसके बाद आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पे, जो अलग अलग एनएचएम ने प्रोग्राम्स जारी किए हैं फीमेल हेल्थ के लिए या फिर मैटरनल हेल्थ के लिए, तो वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में आपको एक बार पढ़ना होगा। उसके बाद उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कौन कौन से अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे, स्किल बेस्ड टेस्ट आपके पास 10 क्वेश्चंस आएंगे, और एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपको यहाँ पे 100 मार्क्स होगा। ये पूरा डिटेल पीडीएफ की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं और एक एक टॉपिक वाइज आप रिविजन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास 2 से 3 वीक का समय है, 2 से 3 हफ्ते का समय है, तो आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर लें, जहां आपको लग रहा है कि आपका ये टॉपिक वीक है तो उसको स्ट्रांग कर लें, रिविजन कर लें ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। अभी नेक्स्ट आता है कि पिछले साल का पेपर कैसे हुआ था, कहाँ से कितने मार्क्स आए थे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है मेरा पिछले साल का पेपर जो 2021 का पेपर हुआ था, जहाँ पे हमारे पास 3800 से ज्यादा वैकेंसीज थी उसका ये एग्जाम है। 2021 का पेपर बता रहा हूँ, ठीक है, 22 का नहीं है ये, 21 का पेपर है। ठीक है, तो जैसे आपको अलग अलग जैसे द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल इज, फ्लेम सेल का क्या फंक्शन है ये पूछा गया था कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, तो सर करेक्ट आंसर था एक्सक्रीशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपका न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ एयर टू पास इनटू द लंग्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़ों में जाने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, तो वो ट्रेकियाज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग, तो इस पीडीएफ की लिंक मैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार आप क्या करिएगा, पूरे 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए,
फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, 100 क्वेश्चन तक जाइए और अपना एवेल्युएशन खुद करिए घर में बैठ के कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कितने क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुआ और कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे इजीली बन रहे हैं, क्योंकि सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ रिविजन की जरूरत है। जैसे यहाँ पे आपको एक वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि वैक्सीन इज गिवन एट कौन सी एज में दिया जाता है, 4, 8, 12 वीक्स, 5, 10, 15 वीक्स, 6, 10, 14 वीक्स, तो बच्चे के पैदा होने के बाद किस कितने हफ्ते बाद ये वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट में एक और सेक्शन यहाँ पे दिया गया था कि आपको इमेज आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, ये उपकरण क्या है। तो जैसे ये उपकरण क्या है, ये बीपी हैंडल है। उसके बाद यहाँ पूछा गया था ये उपकरण क्या है, ठीक है, तो लैम्बर पर्चन पंचर नीडल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये उपकरण के बारे में भी आप एक बार देख लेंगे, मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, अलग अलग उपकरण जो आपके ओटी में यूज होते हैं, ताकि उनका आपको रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी लास्ट के 3 वीक में आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इस पेपर को एक बार 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक जाइए, अपने घर पे अपने मोबाइल में बैठ के सॉल्व करिए और खुद इवेल्युएट करिए कि 100 में से आपको कितने आते थे। क्या करिएगा, आंसर मत देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शंस देखो, आंसर बाद में चेक करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने कुछ इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस को एक अलग टेस्ट सीरीज या क्विज के फॉर्म में भी डाला है, तो आप वहां से भी पिक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और उनका आंसर दे सकते हैं, ताकि एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आप आ रहे हैं आपको और कहाँ कुछ से कौन सा टॉपिक आपका फिर से पढ़ने की जरूरत है। बाकी दोस्तों अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, ऑल द बेस्ट।